Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो इतने महीनों के बाद आज मैंने एक व्लॉग बनाना शुरू किया है। इतने महीनों के बाद मतलब इतने महीनों का लंबा ब्रेक आ गया था, फिर जाके एक व्लॉग तो मैंने भी भर दिया है। तो रविना आज क्या हुआ है सुबह से? आज हम छुट्टी पर हैं। आज से हम छुट्टी पे क्यों जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं हम जा भी कहाँ रहे थे, क्योंकि कब से नहीं आया व्लॉग। लास्ट शायद वो था ना, भांजा वाला था शायद, भांजा हुआ था तब से। एक महीने के ब्रेक। अब तुम अपना फोन पकड़ना भी भूल गई है। तो फिर बताओ इतने लंबे ब्रेक के बाद में क्या क्या हुआ इस बीच में? इस बीच में हमारी जिंदगी बहुत उलट पुलट हुई गई। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये भी नहीं बता सकते गाइस। मैं क्या करूँ गाइस, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है गाइस। बताइए किसका डायलॉग है? अच्छा ठीक है, समझ गया। हो गया। तो हुआ क्या है, हम इन दिनों इंटर्नशिप में जाते हैं चंदन हॉस्पिटल में। ठीक है, चांटी मारूंगा। यही हमारे घर की पुनीत सुपरस्टार बन रही है, इसने पूरा बिग बॉस बना रखा है इस घर को। तो हम जा रहे थे चंदन हॉस्पिटल में, मतलब ट्रेनिंग के, इंटर्नशिप के लिए ट्रेनिंग के तौर पर। तो फिलहाल हमें एक महीना हो गया और दूसरा महीना चल रहा है। देखो आपको टाइम दिख रहा होगा, टाइम पहुंच गए, नहीं देते मुझे अभी। मैं दूसरा महीना चल रहा है तो हमने आज छुट्टी ले रखी है, मतलब 4-5 दिन की छुट्टी ले रखी, क्योंकि हमें जाना था बाहर, जाके नहीं सभी काम था, तो उस वजह से हमने छुट्टी ले रखी है। सब मामला सब निपट रखा है और हम रिलैक्स होकर बैठे। मतलब जब जब हम चंदन जाना शुरू किया ना, एक चैन की सांस, जब से हम चंदन में घूमते हैं तब से हमें ब्लॉग नहीं बनाया। नहीं, बहुत लंबा ब्रेक आ गया था ब्लॉग के बीच में, तो अब कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। आप मुझ में कोई अंतर देख रहे होंगे? मुझ में नहीं, नहीं इस पे तो कुछ देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहा। और कैसे क्यूट हो गई, बस थोड़ी मोटी हो गई है, पतली हो गई हूँ मैं। हड्डी भी दिख रही है, हड्डी दिखने लग रही है। तो आज का पूरा दिन मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर। अभी तो सुबह हो रखी है, फिलहाल कुछ नहीं है, हम लोग आराम से ऐसे बैठे हैं। जब मैं और आपको जम के मोबाइल चलाना है। और पता क्या हुआ गाइस, जब हम फीमेल में, जब मैं 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद हम एक महीना घर पे रहे थे, तो तब मुझे ऐसा था कि यार घर पे रह गए, घर पे रह गए करके हो जाता था। हाँ, जैसे कि मुझे लगता था कहाँ जाएंगे हम, कहीं कहीं तो ज्वाइन करो, मैं घर में इतनी बोर हो गई थी। और अब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल रही है, तो तब मैं पूरी पूरी छुट्टी मिल जाए करके मुझे 5 डेज की छुट्टी मिली। और हम बाहर भी जाएंगे, कैमरा मैं इधर कर लेता हूँ, कर दो कैमरा नीचे, कैमरा मैं इधर घुमा लेता हूँ, कर दो कैमरा नीचे। तुम्हें टीआरपी मिल रही है, मुझे थोड़ी मिल रही है आजकल पूरे घर। तू भी कर दे नीचे, तू भी कैमरा नीचे। पुनीत सुपरस्टार यार। तो क्या प्लान है फिर आज के दिन, क्या क्या करना है? यहाँ से तो पूरी ब्लर आ रही है, इसलिए यहाँ को घूम जाओ। अब बताओ आज के दिन क्या क्या करना है? आज के दिन तो हमें क्या करनी है लैब में? मैं ही वीडियो दिखाती हूँ। तो देखो घर भी हमने मतलब कुछ बदला बदला नहीं है, इन 3 महीनों में वैसा ही है ये। बस तेरे बाल पहले से ज्यादा और ज्यादा बेकार हो गए हैं। देखो कपड़े धुल रहे हैं और इस कमरे की हालत इतनी गंदी कर रखी है इस लड़की ने, बहुत ज्यादा। ये इस कमरे को साफ करके निकलना अभी बंद करते और एकदम से ठीक है। नहीं अब तो पूछ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सीओडी की कंफर्म कर। हो इतना सोच के सीओडी की, अगर मैं कहूँ तूने गलत बोला है, सीओडी नहीं होता है तो क्या होता है? सीओडी होता है, सीओडी होता है। हाँ मेरे ऊपर कैमरा उठा दे। हाँ सीओडी की फुल फॉर्म बता। सीओडी की फुल फॉर्म बता, कह रही है। मैंने कहा सीओडी नहीं होता है वो, तो गलत बोल रही है। कह रही नहीं सीओडी होता है, फिर कह रही है ओसीडी की फुल फॉर्म बता। ओसीडी की फुल फॉर्म बता, समझ में नहीं आएगा कि ओसीडी की फुल फॉर्म ही नहीं आती। बता ओसीडी की बता। चढ़ी कहाँ है खिड़की पर? तो अगर बता दे तो मुझे क्या मिलेगा? गाइस जल्दी से ओसीडी की फुल फॉर्म कमेंट करो, देखते हैं आप लोगों को कितनी पता है।
ओपीडी बता रहा हूं आउटपेशेंट पास मैं सुनो आईपीडी अरे यार क्या हुआ ना इंस्टा पे एक रील आई थी तो वो क्या बोलता है ऐसे बोलता है कि ये दो चीजें आप गूगल में कभी सर्च मत करना है ना ऐसे बोलता है कि गूगल में ये दो चीजें सर्च करोगे डर जाओगे फिर आना किस टाइप का तो एक लड़की समझ के सकती है मैं यूट्यूब पर सर्च करने जा रही हूँ तो मैं जोक थोड़ी सुना रही बात बता रही थी मैं जोक नहीं सुना रही थी मैं एक बात ओसीडी की कुछ बता रही और बता दी तो कुछ भी पता खुद मेरे पास आके कहती है सीओडी की फुलफॉर्म मतलब सीओडी की फुलफॉर्म नहीं होती है पीछे से देखा होगा पीछे से तोड़ के आएगी नहीं ओसीडी ओसीडी मैं तो गया दोस्तों तो आज का फुल डे ऐसे ही होने वाला है यहाँ का वहाँ का मतलब सब लोग आज मस्ती में है क्योंकि ना बहुत दिनों के बाद एक रिलैक्स मिला है मैं छुट्टी का वरना तो चंदन जाके थक गए थे सच्ची में हम सुबह मतलब हम सुबह ना 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे तक ऐसे चले जाते थे फिर आने का टाइम हमारे हमको 6 बजे जाते थे फिर 6 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स करते थे फिर खाना खाने का टाइम हो जाए ये करो घर के काम संडे को खुशी का टाइम मिलता है उसमें हमको स्मार्ट का काम अपने जितने चीजें हैं वो अपने काम मतलब संडे का दिन भी ना मतलब पूरे हफ्ते भर का समेटने का लग जाता है संडे और फिर वो कब बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता लेकिन मुझको ना ऐसे ही अच्छा लगता है सुबह से शाम तक काम करना बिजी रहना लेकिन उस काम में बिजी नहीं हो पा रही थी तो गाइस अच्छा तो गाइस ऐसे ही चलता रहता है तो चलो अभी तो अभी बंद कर ले इस व्लॉग को ये है ही नहीं जब मैं तो मर्जी से गा रही थी तो क्या बोलते हैं ऐसे रहेगा आज का पूरा दिन तो अभी व्लॉग को करते हैं बंद और सफाई वफाई करते हैं फिर लॉक को करेंगे कंटिन्यू देखो शांति कैसे भी नहीं है इनको अंदर आ रखे हैं गेस्ट एक आंटी आ रखी है पड़ोस के बिल्डिंग की लेकिन इनको यहाँ पे चुल मची हुई है देखो ये जानबूझ के नहीं लड़ रहे जगह छोड़ दी तूने इस जगह के लिए तो लड़ रही थी अभी अपना काम करके आया अपने काम कर लड़ना ही नहीं है गाइस अभी यहाँ पे हो रहा है हॉस्पिटल वाला लंच मतलब कि जो हम हॉस्पिटल में जाने वाले थे वो हम अभी कर रहे हैं 12 बजे क्योंकि गए तो नहीं टिफिन तो पैक कर दिया था तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाएं एक मिनट तो अभी हम सोच रहे हैं अभी हम जाएं मॉल और इसके कानों में गीड है इसको सुनाई नहीं दे रहा है सुबह में गया चले मैं तो गई थी ये रोटी ले लो और चल खाते रोटी खा ले फिर चल चलते तो अभी हम जा रहे हैं मॉल और वहां से सामान ले जाना है बहुत समय से जगह नहीं है मतलब सामान भी नहीं लाने इच्छा हो रही है जाने की मतलब मन कर रहा है तो अभी हम जाते हैं मॉल मॉल पे मैं वीडियो जो शूट करूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी और स्कूटी मैं नहीं चलाऊंगी बहुत जाती है यहाँ से मैं स्कूटी चलाने चलाने को मतलब जब तक पहले नहीं आती ना तब बहुत शौक था स्कूटी चलाने का फिर जब से लगता है कि स्कूटी आ गई है बिल्कुल मन नहीं करता चलाने का तो अब फिक्स हो गया मॉल जाना अभी तक मैं अब तैयार होते हैं अब हो गया कि अब मॉल जाने तो फिर तुझे कुछ चाहिए वहाँ से बता देखा ना कुछ मुझे क्या क्या चाहिए मुझे लेके आओ अच्छा मैं किसी का फोन भी देखा हूँ मेरा फोन चार्ज में क्योंकि वो तो इसी में है ना हमारी मेरा भी वही है आपके क्या है ये फोन देखे पहले चला वही चला तो तो हो गए हैं रेडी फटाफट से अब चलो चलते हैं मॉल के लिए रेडी हो गई है वैसे कुछ वॉच तो फटाफट चलते हैं साबुन ले एक मस्त अच्छा खुशबू था इसकी देख कितने का 50 का
अगर एक बंदा 50 रुपए के साबुन से नहाएगा तो क्या खाएगा? इसे साबित होता है कि ये ड्रेस ये नहीं व्हाइट वाले में अच्छा दिख रहा है। व्हाइट वाले का ये ज्यादा लग रही है, दूसरे ब्लैक दिखा। बेचारे को इसके कपड़े नहीं मिले। मुझे इसकी फेवरेट टी शर्ट ब्लू। तो गाइस पहुंच गए हैं घर और इतने ज्यादा थक गए हैं। वो सामान रखा यहाँ और मम्मी तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। वो देखो वहाँ मम्मी थोड़े पेड़ पौधों को देख रही है। तो थोड़ा बहुत मैंने मॉल का जितना भी था शूट किया, बाकी का मैंने मतलब छोटी छोटी क्लिप बना रखी वो मैं ऐड कर दूंगी। और अभी पहुँच गए घर, इनको सामान दिखाते क्या रहता है। उससे पहले खाना खाते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? जब हम गए थे तब भी ऐसे लेटी हुई थी और जब हम आ रहे तब भी ऐसे लेटी हुई है। अंधेरा कर रखा है पूरे कमरे में। तो फिर चलो फटाफट से फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद इनको सामान दिखाते हैं क्या क्या रखा है। सामान है जो लेके आए हैं ये लेके आई हूँ। तो चलो ये सामान समेटते हैं और अभी हम कैंटीन भी जाना है, माते को कुछ सामान लेना है क्योंकि हम जा रहे हैं घर। तो चलो फिर जो सामान लेना है वो लेते हैं। अभी एंड नहीं करते, अभी पॉज करते हैं वीडियो को, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए, नहीं 6:30 होने वाले हैं और अब हमारी हो रही है इवनिंग टी। आज मैंने तो बहुत काम किया, मैं तो आज बहुत थक गई, मैंने बाहर का बहुत काम किया पता है। और इससे पूछो इसने क्या किया, पूरे दिन उस कमरे में बैठी थी मोबाइल लेके, बताओ। हाँ सो के उठी है, मतलब शक्ल ऐसी लग रही है जैसे सो के उठी होगी मोबाइल की वजह से। तो क्या प्लान है मम्मी कल का, क्या क्या लाना बचा है? तो एक चीज नहीं आ रखी है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमसे कह रहे छुट्टी लेके बैठ गए। कौन कह रहा था हमको कि छुट्टी लो छुट्टी लो? तो सामान नहीं आएगी घर के लिए, घर के लिए हमारे लिए। मुझे भी कोई याद कर सकता है? धीरे बोलो थोड़ा, आजकल ना ढीली बारिश हो जा रही है, मतलब सुबह के टाइम में मॉर्निंग में हमेशा बारिश हो जा रही है, शाम को भी बारिश हो जा रही है और इस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाती है, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा अच्छा हो रहा है। देखो मैं यहाँ से बाहर दिखाती हूँ कैसा सीन है, बादल एकदम साफ हो रखे हैं, क्लीन चिट। ये हमारी विंडो से इतना ही दिखता है, तो इतना ही दिखा सकती हूँ मैं, मेरा कैमरा ना गिर जाए, ऐसे दिखा रही थी। तो किचन में सब्जी बना रही है, देख के आते हैं। यस मम्मी बना रही है सब्जी और रोटी मैंने बना दी। ये तो उन्होंने छोटी लाइट जला रखी है ना, तब आधा अंधेरा हो रखा है पूरे घर में। ये हे गाइस तो अभी हमें व्लॉग भी तो देखने हैं ना, व्लॉग देखे उनके किन के प्रिया जीत के व्लॉग देखेंगे। इतना बेकार चेंज किया, इसको लगा कि मैं ट्रांजेक्शन डाल के ऐसे करके वो कर दूंगी। नेट किसके पास है? नेट मेरे पास है। तो अभी हम अभी टाइम अभी हम करेंगे रात्रि भोजन, रात्रि भोजन खोज। तो क्या बोलते 8:30 हो गए हैं, खाना खाएंगे फिर उसके बाद में फिर कुछ नहीं। पहले कल की तैयारी, कल की तैयारी है सुबह घर जाने की और बस सो जाएंगे। तो एंड टू
क्या शूट करेंगे? तो चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत बड़ा भी हो जाएगा ना, अब तो ब्लॉग आते रहेंगे छोटे छोटे छोटे, शायद मे भी आते रहेंगे। तो बहुत बेकार स्कूल का बच्चा लग रहा है, कुछ भी नहीं लेके आया तुम। अरे तो मैच हो रहा है ना, बिल्कुल देख दूर जा, ये तो तेरा ही है और ये जो लेके आया है इस मैटिंग में। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, अभी बस खाना ना खाएंगे, ब्लॉग वगैरह देखेंगे फिर सो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो भी लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस गाइस। ये जरा कलर बताओ, ये किस कौन से फ्लैग में, मतलब किस कंट्री के फ्लैग में? तीन स्टेट है, फ्रांस, व्हाइट तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना, छोटा सा कुछ भी करते हैं ब्लॉग को। दूर लेगा क्या क्या लग रहा है इसमें? अरे एक साइड उठा, उठा दूर जा। इस तीन चार मिठाई के डब्बे यहाँ रख दिया, एक किलो का। हाँ ये देख क्या इम्बेलेंसमेंट क्या हो रहा है, हल्की चीजें यहाँ रख दी वहाँ भारी कर दिया। आम तो छह किलो, आम भी इसी में रखेगी तो तेरे बैग में रखूंगी, तू इसमें हेड शर्ट आम रखूंगी ना। आम रखूंगी, आम भी सही कह रही है।